हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली वुमन सेंट हुई जिन्होंने भक्ति ट्रेडिशन को ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि शुरुआत की बट भक्ति ट्रेडिशन को एक नई व्याख्या दी प्रेम भक्ति को एक नई व्याख्या दी मीरा तो आज मीरा जी की भी जयंती है और कैसे ये खूबसूरत चीज़ें जुड़ी कि मीरा जो स्वयं में अपने आप में प्रेम की पूर्णता प्रेम की भक्ति का प्रतीक बन गई हैं और फुल मून जो प्रेम की भक्ति और प्रेम की पूर्णता का प्रतीक है आज वो दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी तो शायद इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि आज से साधों में हम इनिशिएट करेंगे मंथली फुल मून सत्संग एंड मेडिटेशन So, क्योंकि फुल मून हमें एक हमने आज कोट भी लिखा था कि फुल मून पूर्णमाशी एक इनविटेशन है हम सबको और एक रिमाइंडर है हम सबको हमारी स्वयं की पूर्णता का जैसे चांद की कलाएं बदलती रहती हैं फ्रॉम अमावस्या इट गोज थ्रू डिफरेंट फेजेस टूवर्ड्स इट्स ओन कंप्लीशन शून्य से शुरू होकर मून पूर्णता की तरफ चलता है और ये हर महीने ये इवेंट हम अपनी आंखों से आकाश में देखते हैं रिमाइंडर है ये हम सबके लिए कि यही यही जीवन का उद्देश्य है कि शून्यता से हम धीरे 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 स्वयं की पूर्णता की तरफ बढ़े बट समाओ ये फॉर्मूला चांद का हमने गलत समझ लिया हम बढ़ना तो चाह रहे हैं पूर्णता की तरफ बट हम सिर्फ बाहर की पूर्णता में उलझ गए बाहर के वैभव में उलझ गए हम हर चीज को बाहर से पूर्ण करने की एक दौड़ में लग गए करियर को बाहर से पूर्ण करना अपने अपने इनसेक्योरिटीज को बाहर से पूर्ण करना वेल्थ की पूर्णता बाहर की भाग अपने लिए एक नाम एक, एक नेम एक फेम कमा लेना सभी प्रकार के वैभव जोड़ लेना हम बाहर की पूर्णता में उलझ गए जीवन की गति पूरी की पूरी ही बाहर गमी हो गई जबकि मून फुल मून ये चांद ये पूर्णमाशी ये पूर्णिमा का खूबसूरत चांद ये हर महीने की इशारा है स्वयं भीतर की पूर्णता की ओर क्योंकि अगर भीतर पूर्णता नहीं है तो बाहर कुछ भी कर लें वो पूर्णता होगी नहीं हम सब ने ये बहुत खूबसूरत और फेमस कहानी सुनी होगी कि सिकंदर जिसने ऑलमोस्ट पूरे विश्व पर राज कर लिया था जीत लिया था पूरे विश्व को बदकिस्मती हुई कि हिंदुस्तान आ गया <laughs> और हिंदुस्तान में भारत में ऐसे बहुत इशारे मिलते हैं आपको रोज जो किसी ना किसी तरह आपको स्वयं की पूर्णता की तरफ केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे इशारे मिले सिकंदर को भी कुछ ऐसे संत मिले उनका प्रभाव सिकंदर पर ऐसा हुआ उनकी उनकी दृष्टि सिकंदर पर ऐसी हुई जिससे सिकंदर की स्वयं की दृष्टि भी बदली टू दी एक्सटेंट कि जब वो शरीर छोड़ने वाला था उसने अपने क्लोज मंत्रियों को अपने अपने लोगों को अपने पास बुलाया और संदेश दिया कि जब मेरी अर्थी यहां यहाँ से उठा के लेके जाए जाए मेरे हाथ मेरे कफन से बाहर निकाल देना मंत्रियों ने पूछा क्यों सिकंदर ने बोला क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सब देख लें कि बाहर की दृष्टि से तो एक सिकंदर सिकंदर होने के बाद भी पूर्ण होकर नहीं जाता खाली हाथ जाता है अपूर्णता में जाता है और एक संत एक मेडिटेटर एक सीकर जैसा भी हो बाहर के वैभव के अनुसार जैसा भी हो बट भीतर पूर्ण हो के जाता है तो ये ये मैसेज दिया सिकंदर ने ये इशारा था कि सीख लो चांद से ये फॉर्मूला ये इक्वेशन, ये इशारा जो प्रतिपल स्वयं की पूर्णता की तरफ हमें हमें देखने को इंस्पायर करता है और फिर मीरा फिर मीरा एक अद्भुत अद्भुत स्त्री जिसने पूरा जीवन पूर्णता की तरफ लगाया कुछ छोटी छोटी किस्से मीरा के जीवन से पूर्णता के किस्से कहते हैं जब मीरा तीन चार बरस की थी राजपूत घर से थी शी वॉज अ प्रिंसेस तो एक दिन माँ के साथ बैठी हैं और और उनके पैलेस के बाहर देखती हैं कुछ लोग सच धज के मेल और फीमेल दोनों सच धज के जा रहे हैं कहीं मीरा माँ से पूछती है क्या हो रहा है कहाँ जा रहे हैं सच धज के माँ बोलती हैं शादी हो रही है एक खूबसूरत लड़की एक खूबसूरत लड़के के साथ एक अनंत जीवन के संबंध में बनने जा रही है मीरा गॉट इंस्पायर्ड चार साल की बच्ची मीरा को मैसेज मिला कि शायद ये जो विवाह है ये पूर्णता का एक एक संकेत है तो मीरा ने वहाँ से पूछा कि क्या मेरा भी विवाह होगा माने ने कहा जरूर होगा मीरा ने कहा किससे बगल में ही कृष्ण की एक मूर्त पड़ी थी खेल खेल में मां ने इशारा किया ये तुम्हारे पति होंगे या ये तुम्हारे पति हैं बस वो दिन उस बच्चे के भीतर एक पूर्णता की लहर दौड़ पड़ी और चार साल की मीरा ने उस कृष्ण को सदा के लिए अपना पति मान लिया यहां से शुरू हुई एक खूबसूरत बहुत ही पेनफुल कहानी मीरा के की पूर्णता की आज ही के दिन पैदा हुई थी वो इसी शरद पूर्णिमा को शायद पूर्णता के बीज लेके आई अपने भीतर फिर जिंदगी बड़ी आ गई जैसे चीजें घटती हैं सबके साथ कुछ परिवार में उथल पुथल हुआ विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी बट की हाईलाइट्स कुछ उथल पुथल परिवार में और दो राजाओं के संबंध को ठीक करने के लिए मीरा का विवाह तय किया गया राणा के साथ शादी हो गई मीरा के ना चाहते हुए भी और शादी के बाद जब उनके पति राणा उनके पास आए तो मीरा ने उनको स्वयं को छूने नहीं दिया बोला कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ पूछा गया किससे तो उन्होंने कहा कृष्ण से तो, तो बचपन में ही मेरा विवाह हो गया था अब ये पूर्णता की यात्रा एक पागलपन की यात्रा में कन्वर्ट होने लगी एक, एक खूबसूरत पागलपन क्योंकि मीरा तो कृष्ण की हो चुकी है किसी और का होने का तो सवाल ही नहीं उठता फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी परिस्थितियां मीरा के विरुद्ध होती गई समाज एज वी ऑल नो इट सोसाइटी वॉज अप अगेंस्ट मीरा इन एवरी पॉसिबल वेज बट चांद को पूर्ण होने से कौन रोक सकता है मीरा को कृष्ण होने से कौन रोक सकता है कोई नहीं लाइफ आगे बढ़ी मीरा के पिता की मृत्यु हुई मीरा के और कुछ प्रियजन गुजरे और इस सब के दौरान एक और बहुत खूबसूरत कथा है इसी में मीरा और तुलसीदास कंटेम्प्रेरी थे तुलसीदास बनारस में मीरा राजस्थान में कंटेम्प्रेरी कहते हैं मीरा ने एक पत्र लिखा तुलसीदास को और पत्र में पूछा तुलसीदास से क्योंकि मीरा ने सुना था तुलसीदास के बारे में पत्र में मीरा ने तुलसीदास से पूछा बॉस क्या करूं ये लोग ये समाज ये मुझे समझ नहीं पा रहे हैं ये मुझे जिस तरह से मैं कृष्ण की होना चाहती हूं मैं सुबह से रात रात से सुबह बस कृष्ण और कृष्ण में ही लीन होना चाहती हूँ बट ये समाज और इसकी जिम्मेदारियां और इसके काम इसके काज इसके खिंचाव ये मुझे कृष्ण का होने नहीं देते मैं क्या करूं तुलसीदास ने जो वापस पत्र लिखा मीरा को तुलसीदास ने लिखा ये पूरा जीवन एक खोज है उसको पा लेने की जिसको तुमने पा ही लिया है तो फिर ये परिवार ये राज्य ये तुम्हारा पैलेस तुम्हें बांध नहीं पाएगा मीरा जाओ कृष्ण के पास जाओ अपने कृष्ण के पास लगा दो दाव पे जो कुछ भी है तुम्हारे पास दैट्स इट दैट वाज़ द डे मीरा लेफ्ट एवरीथिंग मीरा स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम राजस्थान शिवॉक टू वृंदावन सिटी ऑफ कृष्णा सिटी ऑफ कृष्णा कहते हैं जब ये सब चल रहा था धीरे 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 मीरा का प्रकाश मीरा की प्यास मीरा की चाह पूर्णता की कृष्ण के साथ फैलने लगी गांव गांव गली गली फैलने लगी एक समूह इकट्ठा होने लगा मीरा के आसपास मीरा संत होने लगी मीरा लिखने लगी मीरा गाने लगी मीरा नाचने लगी कुछ तेरह सौ कविताएँ मीरा ने लिखीं प्रेम पातियाँ पुकार की के पत्र कृष्ण को हर जात के लोग क्योंकि उस समय राजस्थान में ये जात ऊंची जात नीची जात और वो तो राजपूत थी का बड़ा प्रचलन था शीड इन केयर फॉर हर सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा एंड कॉलिंग कृष्णा वॉज दी ओनली थिंग इन लाइफ मीरा नाचती रहीं मीरा गाती रही हर हर कल्चर के साथ हर जाति के लोगों के साथ सभी प्रकार के विरोधों के बावजूद मीरा मीरा ही रही फिर कहते हैं फ कोर्स इसके बीच में बहुत कुछ उपद्रव हुए मीरा के साथ कभी उसको जहर दे के मारने की कोशिश की गई कभी उसको सांप से डसवा के मारने की कोशिश की गई बट एज अर्लियर चांद को पूर्ण होने से कौन रोक सकता है कहते हैं मीरा चलती गई चलती गई चलते चलते पहुंची द्वारका कृष्ण की नगरी और द्वारका में खूबसूरत कृष्ण का मंदिर और उसमें बहुत ही सुंदर कृष्ण का स्टैचू कृष्ण की प्रतिमा कहानी कहती है कि मीरा ने जब उस प्रतिमा को कृष्ण को देखा तो कृष्ण साक्षात हुए मीरा के सामने और कृष्ण ने मीरा को स्वयं में समा लिया मीरा स्ट्रेट इन वॉकड इन टू द इमेज ऑफ द कृष्णा एंड बिकेम वन मीरा डिसअपियर्ड इन टू द स्टैच्यू ऑफ कृष्णा मीरा खो गई उस कृष्ण की आकृति में दैट इज व स्टोरी वी डोंट नो सेयर बट ये चांद अपनी पूर्णता पे पहुंच गया फिर एक फुल मून हुआ फिर एक पूर्णिमा हुई ये पूर्णिमा थी मीरा और कृष्ण के एक होने की पूर्णिमा पूर्णता एक जीवन जो पूर्ण हुआ और सिर्फ इतना ही नहीं सिर्फ इतना ही नहीं मीरा एक और तरह से समाज को प्रेरित करती आई है हम सबको प्रेरित करती आई है पूर्णता के लिए आई थिंक मीरा वॉज द फर्स्ट वुमेन एम्पावरमेंट आईकॉन फर्स्ट शायद मीरा से पहले कोई किसी ने किसी स्त्री ने खड़े होके ऐसे समाज के विरुद्ध कोई काम नहीं किया था क्योंकि समाज में तो प्रचलन था पति ही परमेश्वर है मीरा ने कहा ना परमेश्वर ही पति है डेफिनेशन बदल दी मीरा ने फिर से रिपीट करता हूँ समाज ने हमेशा कहा कि पति ही परमेश्वर है मीरा ने कहा ना परमेश्वर ही पति है जो समाज घूंघट के बिना स्त्री को बाहर नहीं जाने देता था वहां मीरा सड़कों पर नाची और खूब सारी और वुमेन मीरा के साथ हुई जहां समाज वुमेन को अपने हिसाब से कुछ करने नहीं देता था वहां मीरा ने सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनी परंपरा की नहीं किसी भी तरह की बेड़ियों की नहीं सो so, मीरा फॉर मी वॉज द फर्स्ट आईकन ऑफ एप्सोल्यूट वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया पूर्णता एक गायक हुए इंडिया में ऐसे बहुत तो नहीं सुना मैंने उनको बट कुछ पंक्तियां पड़ी उनकी एक बहुत पुराना भजन मीरा का पढ़ा मैंने कुछ चंद पंक्तियां सुनाऊंगा उन उस उस मीरा के बहुत ही प्यारे भजन की गा के नहीं हाँ हाँ आई कैनॉट सिंग बट बोल के अफश्य क्योंकि जब जब इस अंडरस्टैंडिंग में मैंने उन पंक्तियों को बढ़ा तो उन पंक्तियों का की डायमेंशन चेंज हो गई मेरे लिए तो ये लाइनें हैं सुनी होंगी आप में से कुछ लोगों ने ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन पहली बात हाँ रोक रोक के चलेंगे तुम मगन हो नहीं सकते बिना लगन के फर्स्ट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड हेयर हम तो चाहते हैं कि हम भी मीरा की तरह उस प्रेम में लगन उस प्रेम में मगन हो जाए हुँ? मगर बिना उस लगन के मगन हो नहीं सकता हिच मीन्स बिना उतनी चाह के उतनी लॉन्गिंग के उतनी प्यास के तुम तो मगन नहीं हो सकते मगन होने के लिए उतनी प्यास चाहिए पहली लाइन से जो मैंने समझा जो मैंने महसूस किया ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन दूसरी लाइन वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या करोगे जब तुम्हारे भीतर प्रेम भर जाएगा वट विल यू डू और कोई चारा नहीं है मीरा के पास उसको हरी के गुण गाने ही पड़ेंगे वो हरी को खुश करने के लिए हरी के गुण नहीं गा रही इट इज एन ओवर फ्लोइंग हर लव अमूमन हम मंदिर जाते हैं भगवान को खुश करने के लिए कुछ कुछ करते हैं सी द डिफरेंस एयर हम किसी भी जिस भी मजहब से हम बिलोंग करते हों वी गो टू द टेम्पल कि किसी तरह से भगवान को खुश करके अपनी बात मना ली जाए राइट मीरा का कहानी मीरा का प्रोसेस अलग है बिल्कुल लेट्स कॉल इट दी एब्सोल्यूट ऑथेंटिक प्रोसेस वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी इट्स एन ओवरफ्लोइंग मीरा कैन नॉट स्टॉप जो उसके भीतर घट रहा है उसको गाना पड़ेगा उसका कप भर गया प्रेम से कृष्ण के वो छलक रहा है कप तो वो गली गली हरी के गुन गा रही है फिर कहते हैं महलों में पली क्योंकि मीरा तो महलों में पैदा हुई थी शी वॉज अ प्रिंसेस महलों में पली बन के जोगन चली ओशो ने खूबसूरत बोला हमेशा इस बात को जोरबा द बुद्धा महल मतलब जोरबा बुद्धा मतलब जोगी मीरा में समावेश हुआ इन दोनों का महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी थी तो रानी बट लोगों ने तो दीवाना ही समझा दीवाना मतलब पागल जिसकी कोई वक्कत नहीं है समाज में विच मींस शी वॉज एब्सोल्यूटली विलिंग कि उसका नाम एकदम बर्बाद हो जाए एज अ क्वीन एज अ प्रिंसेस She didn't care about her name and fame. Hello, look within. What are we most concerned about? अबाउट hmm? कली एक दोस्त मिले उन्होंने हिंदी में एक बड़ी पुरानी बात जो मैंने सुनी थी उन्होंने फिर कही कहावत क्या था सबसे बड़ा रोग <laughs> क्या कहेंगे लोग <laughs> मीरा डिन केयर रादर मीरा एकदम विलिंग थी अपने नाम अपने फेम अपनी प्रशंसा को एकदम मिट्टी में मिलाने के लिए खूबसूरत लाइन है ये क्योंकि आमूमन मैंने देखा हम सब एक समय पे आके पैसे से भी मोह हटा लेते हैं थोड़ा सा बट नाम नाम तो हमारी इन्वेस्टमेंट है नाम तो हमारी आइडेंटिटी है नाम से कैसे अटैचमेंट और एंटैंगमेंट छोड़ें देखा होगा आपने किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाओ तो वो पंखे के परों पे भी हम नाम लिखवाते हैं अपना नाम का तो बड़ा झंझट है इस आइडेंटिटी का तो बड़ा झंझट है तो अगर पूर्णता की तरफ चलना है, इस पंक्ति में उसकी तरफ एक इशारा है आई इफ यू डी कोड इट दैट वे अगर पूर्णता की तरफ चलना है चांद की स्वयं के फुलमून को फुल होने देना है पूर्ण होने देना है तो ये ड्रॉप करना होगा दिस आइडेंटिटी विद योर नेम कैरिंग ऑफ दिस आइडेंटिटी भीतर की तैयारी होनी होगी ना कुछ होने का जज्बा होना होगा ask yourself, ask yourself. As a sadhak, as a seeker, as the lover of life, ask yourself: Are you ready for this? is इस त्याग के लिए क्या हम तैयार हैं ना कुछ होने के लिए क्या हम तैयार हैं क्योंकि चांद की यात्रा भी ना कुछ से शुरू होती है माइंड यू वो अमावस्या जब चांद ना कुछ है <coughs> जब जब चांद है ही नहीं उसका स्वरूप ही नहीं है वेन द मून डज नॉट एक्जिस्ट दिज नो नेम वही उसी ना कुछ होने से ना कुछ नेसने से ही चांद की यात्रा पूर्णता की तरफ शुरू होती है सो आउ वी रेडी फॉर दिस तो ये कुछ ये कुछ बहुत ही खूबसूरत इंडिकेशन मैसेजेस इन चार पंक्तियों में पोएट ने लिख डाला सब कुछ जो जो साधना के लिए चाहिए राज छुपे हैं हर चीज के अंदर और आज का दिन फुल मून सभी सभ्यताओं में सभी कंट्रीज में सभी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में इस दिन को राधा राय शूट से इस रात को हर पूर्ण मासी की रात को हर फुलमून की रात को बहुत सजगता से यूज किया गया क्योंकि चांद की पूर्णता आपकी पूर्णता को जगाने में बहुत भागी होती है इसको ऐसा देखें कुछ भी तुम्हारे इर्द गिर्द पूर्ण है अगर तो वो तुम्हारी पूर्णता को जगाने में सहायक होगा कुछ भी किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लो तो आज जब चांद नवग्रहों में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह मून जब अपनी पूर्णता पे है तो उसकी एनर्जीज उसकी कॉस्मिक वाइब्रेशंस आर सच दैट इट पुल्स योर एनर्जीज अपवर्ड बट प्रश्न है इसमें एक आर वी अवेलेबल टू इट क्या हम चांद को अलाउ कर रहे हैं क्या हम चंद्र को अलाउ कर रहे हैं हमारी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए पूर्णता की तरफ इट्स इट्स अ ब्लेसिंग इट्स कमिंग ऑन अस बट आर वी स्पेंडिंग टाइम देयर आर वी एक्सपोजिंग आर सेल्फ टू द टू द लाइट ऑफ द मून या हम बस घर के अंदर बस ये जानते हैं कि हाँ आज फुल मून है या हम शायद ये जानते भी नहीं कि आज फुल मून है हमें एहसास भी नहीं है क्योंकि हम तो बहुत बिजी है ना उस नाम के लिए वी टू बिजी लर्न फ्रॉम मीरा शायद इसीलिए हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में आज की रात अक्सर ऐसी साधनाएं की जाती हैं जहां आप एक्सपोज रहते हो मूनलाइट पे। शायद इसीलिए लिए भारत के स्पेशली हिंदू या सनातन रिलीजन में सनातन कल्चर में कुछ ऐसे खूबसूरत प्रक्रियाएं की हमने आप लोग जानते होंगे शायद बचपन में देखा होगा कि फुल मून नाइट को हमारी माँ हमारी दादी घर में खीर बनाया करती थी और उस खीर को बना के रात को बाहर रखा करती थी और अगले दिन उस खीर को प्रसाद की तरह बांटा जाता था क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग तब भी थी दर इज अ सिग्निफिकेंस पावर इन मून लेट दैट एनर्जी ऑफ द मून कम इन टू दिस फूड एंड थ्रू दैट फूड देन वी कंज्यूम दैट एनर्जी इन द इन द फॉलोइंग डे थोड़ा इनडायरेक्ट प्रोसेस है but thankfully as part of the cultural process here i'm saying we can make it more better we can be out there in the moonlight under the under the moon spend a significant part of tonight under the moon remembering the Mira. remembering the krishna hoping to become Mira. होपिंग टू मर्ज इन आर कृष्णा फॉर्म्स हैं ये सब कृष्णा एक फॉर्म है तुम्हारी फॉर्म कुछ भी और हो सकती है बट कहने का भाव सिर्फ इतना है मर्जिंग इन द अल्टीमेट बिकमिंग पूर्ण दट द सिग्निफिकेंस ऑफ टू नाइट अभी जो मैंने पंक्तियां पढ़ी वो शायद मीरा की लिखी हुई नहीं है अब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जो मीरा की लिखी हुई हैं एज ए सेट आई थिंक तेरा सौ के करीब पोएम्स लिखी मीरा ने सो so, कुछ पंक्तियां इसकी भाषा थोड़ी सी अलग है सो आई एक्सप्लेन इन बिटवीन मैं बिरहणी बैठी जागू जगत सब सोवेरी मैं बिरहणी बैठी जागू जगत सारे सोएरी मीरा कह रही है कि मैं एक विरह में हूं विरह मतलब प्रेम की लॉन्गिंग में हूं और जाग रही हूं रात को जब सारा जगत सो रहा है अगेन सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस असीकर योगी इज अवेक वन द होल वर्ल्ड स्लीप्स एज वी सेड अर्लियर स्पेशली इस फुल मून को जब सारा जगत सो जाए तुम मत सोना स्पेंड सम टाइम अंडर द मून आई एम ट्राइंग टू रिलेट विद फिर अगली लाइन में मीरा कहती है बिरहणी बैठी रंग महल में मोतियन की लड़पावे कि विरह में कोई रंग महल में बैठ के मोतियों की माला पिरो रहा है किसी पति की याद में मगर एक बिरहणी हम ऐसी देखी अश्वन की माला पोवे एक लेडी ऐसे विरह में मैंने देखी जिसको मोतियों की माला से कोई लेना देना नहीं जो आंसुओं की माला पिरो रहा है पिरो रही है भक्ति हाँ दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति इन in इंडिया फिर अगली लाइन में कहती है तारा गिण गण रैन बिहानी सुख की घड़ी कब आवे मीरा कह रही है कि तारे गिन गिन कर मैं रात को काट रही हूं कब सुख की घड़ी आएगी कितना इंतजार मीरा के प्रभु गिरधर नागर जब मोही दरस दिखावे कि मीरा के प्रभु गिरधर मतलब कृष्णा कब मुझे दर्शन दोगे ये पंक्तियां मीरा हर रात को गा रही है ये पंक्तियां मीरा का हृदय हर रात को गा रहा है जब सारा जगत सो रहा है अपने सपनों में मीरा सिर्फ एक ही चीज मांग रही है अल्टीमेट यूनिटी फिर वही बात है मीरा फिर भी वही पूर्णता मांग रही है आज भी क्वेश्चन डू वी हैव दैट इन अस ऐसी प्यास ऐसी लौंगिंग ऐसा प्रेम ऐसी भक्ति क्या है हम में नहीं है तो जगाओ और चांद बहुत सहायक है इसमें हर बार चांद को देख के कवि अपनी अपनी प्रेमिका के लिए कुछ लिखता है चांद में वो पावर है चांद रोमांटिसिज्म जगाता है हमारे अंदर एक तो चांद की कॉस्मिक एनर्जेटिक फील्ड है लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट लचुंड लुक एट द भावात्मक एंगल है एक तो चांद रोमांटिसिज्म जगा रहा है हमारे अंदर उसी रोमांटिसिज्म का एक तत्व इस प्रेम भक्ति के भीतर है यूज इट है वो प्रेम भक्ति प्रेम भाव तो बहुत सुंदर नहीं है तो मून का आशीर्वाद लेके चांद का आशीर्वाद लेके जगा लो उसको एंड यूज एवरी फुल मुन नाइट फॉर दैट Yeah.